नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे दृश्यम 2, बेड़िया तथा ऊंचाई फिल्मों के उस रिपोर्ट के बारे में कि इन तीनों फिल्मों को कितने दर्शकों ने देखा, कितने दर्शकों ने सिनेमा हॉल में टिकट खरीद करके इन फिल्मों का आनंद लिया और दोस्तों कितने फुटफॉल्स इन फिल्मों को मिले, इसके बारे में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दृश्यम 2 की। दृश्यम 2 एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होने जा रही है। 240 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन ये भारत में अब तक कर चुकी है और अगर इसके वर्ल्ड वाइड अगर इसके इंडिया ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों ये करीब करीब हो जाता है 286 करोड़ रुपए के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है। और दोस्तों जहां तक इसकी बात करें कि फिल्म को कितने फुटफॉल्स मिले, तो मैं आपको बता दूं 1.50 करोड़ लोगों ने ये फिल्म थिएटर्स में जाके अब तक देख चुके हैं। 1.50 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग इस फिल्म को थिएटर्स में टिकट खरीद करके देख चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी जो एवरेज टिकट प्राइस रही है वो 190 रुपीज रही है। अलग अलग थिएटर्स में अलग अलग होती है लेकिन मैंने उनका एवरेज निकाला तो करीब 190 रुपीज की एवरेज टिकट प्राइस इसकी निकल करके आती है। तो इस प्रकार से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है। दोस्तों जहां तक बात करें बेड़िया फिल्म की, तो दोस्तों बेड़िया फिल्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो बेड़िया फिल्म है उसको करीब 36 लाख लोगों ने थिएटर्स में जाकर के देखा है, मतलब 36 लाख फुटफॉल्स इस फिल्म को अब तक प्राप्त हुई है। दोस्तों करीब 65 करोड़ रुपए का इस फिल्म का जो नेट कलेक्शन है वो भारत में रहा है और फिल्म को बिलो एवरेज घोषित किया गया है क्योंकि दोस्तों फिल्म उतना ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई। फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी लेकिन वैसा नहीं हो पाया, लेकिन फिल्म कम से कम अपने आप को फ्लॉप होने से बचा सकी है कि फिल्म को फ्लॉप नहीं कहा जा सकता, डिजास्टर नहीं कहा जा सकता, बिलो एवरेज फिल्म कह सकते हैं कि इसने ठीक ठाक अपना नाम, मतलब ठीक ठाक अपना एक पोजिशन बॉक्स ऑफिस में बना के रखी है। तो दोस्तों इस फिल्म को करीब करीब मैंने आपको बताया कि 36 लाख लोगों ने देखा है, 216 इसकी ATP है, मतलब एवरेज टिकट प्राइस रही है और दोस्तों करीब 78 करोड़ रुपए के आसपास इसका इंडिया ग्रोस कलेक्शन रहा है। वरुण धवन फिल्म में प्रमुख कलाकार है, उनकी एक्टिंग की काफी सराहना हुई है। दोस्तों बात करें एक और फिल्म सर्कस की, तो दोस्तों सर्कस फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद सर्कस फिल्म को भी करीब करीब 20 लाख लोगों ने मतलब थिएटर्स में जाकर के देखा है। 20 लाख लोगों ने थिएटर्स में जाकर के देखा है सर्कस फिल्म को, डिजास्टर साबित हुई है। करीब करीब इसका 37 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन भारत में आया है जब तक मैंने ये वीडियो बनाया है तब तक, और दोस्तों करीब 44 करोड़ रुपए इसका इंडिया ग्रोस कलेक्शन आया है जबकि फिल्म का बजट करीब 115 करोड़ से 135 करोड़ रुपए के बीच में है। तो रोहित शेट्टी तथा रणवीर सिंह के लिए बड़ा झटका है, ऑल टाइम डिजास्टर फिल्म साबित है। लेकिन फुटफॉल, जहां तक फुटफॉल की बात करें तो 20 लाख लोगों ने इस फिल्म को देखा और इसका वर्डिक्ट मैंने आपको बताई दिया कि डिजास्टर है। इसके अलावा दोस्तों बात करें एक और बेहतरीन फिल्म ऊंचाई के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, डेनी जैसे शानदार सितारों से सजी है फिल्म जिसमें परिणीति चोपड़ा और नफीसा अली सारिका जैसे और भी दिग्गज कलाकार है, तो काफी ज्यादा पसंद की गई है, बेमिसाल फिल्म है। बस यहाँ फिल्म से गलती हुई कि इसको कम स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। इसके बावजूद दोस्तों जब तक मैंने ये वीडियो बनाया तब तक ये फिल्म 19 लाख लोगों द्वारा देखी जा चुकी है थिएटर्स में जाकर के, 19 लाख फुटफॉल्स इस फिल्म को अब तक प्राप्त हुई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म अब तक करीब 33.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है। 30 से 35 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म है और इसका अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें इंडिया ग्रॉस की तो करीब 40 करोड़ रुपए हो गया और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इसका करीब 49 करोड़ रुपीज रहा है। तो इस फिल्म को एवरेज टू हिट फिल्म का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस पर प्राप्त हुआ है। कई क्रिटिक्स ने, कई ट्रेड एनालिस्ट ने इस फिल्म को एवरेज फिल्म का दर्जा दिया, वहीं कई क्रिटिक्स ने फिल्म को हिट बताया, सफल बताया, क्योंकि फिल्म का बजट कम है और फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। अभी हाल ही में फिल्म ने अपने 50 डेज कंप्लीट की है, 8th वीक में भी फिल्म अभी भी 141 स्क्रीन पर पूरे देश भर में दिखाई जा रही है। तो दोस्तों डेफिनेटली ये फिल्म के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है और दोस्तों ये फिल्म 25 जनवरी तक डेफिनेटली थिएटर्स में रहने वाली है, मतलब कि जब तक पठान फिल्म रिलीज नहीं होती है तब तक इसकी इस फिल्म के पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्क्रीन जरूर बॉक्स ऑफिस पर रहने वाले हैं, मतलब करीब करीब 10 हफ्ते तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी रहेगी, मतलब 70 दिन तक कम से कम फिल्म अगर थिएटर्स में टिकी रहती है तो आप ऐसी फिल्म को कैसे, मतलब आप कह सकते हैं कि ये एवरेज है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली फिल्म सफल फिल्म है और श्योर अभी भी इस फिल्म के जो वीकली कलेक्शन है वो करीब 15 से 20 लाख रुपए आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।